हेलो एवरीवन मेरा नाम रश्मि पोडवाल है मैं सियाद्री हॉस्पिटल शास्त्रीनगर में एज अ लैक्टेशन कंसल्टेंट काम करती हूँ आई एम एन आई बी सी एल सी इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट और मुझे 11 साल का एक्सपीरियंस है लास्ट 11 सालों में मैंने बहुत सारे मदर्स और बेबीज़ को ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प की है आज हम ये जो वीडियो बनाने वाले हैं जो डिस्कस करने वाले हैं वो इस बारे में है कि ऐसी कौन सी कॉमन गलतियाँ हैं या मिस्टेक्स हैं जो यूजली ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स करती है सबसे पहली गलती मैं कहूँगी जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स करती है उन्हें अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग में तकलीफ है आ, कोई भी प्रॉब्लम है शायद उनका बच्चा अच्छे से फीड नहीं कर पा रहा है तो वो हेल्प लेने से हिचकिच आती है डरती है हमें हमेशा ये कहा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है ये सारे फीमेल्स को अपने आप आती है सारे बेबीज़ ये सीख कर आते हैं इसीलिए जब किसी मदर को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हेल्प लेने से हिचकिचाती है उसे ऐसे लगता है कि लोग क्या कहेंगे आ, ऐसे नहीं है ये गलत बात है इनफैक्ट आप जैसे ऐसे बहुत सारे मदर्स हो सकते हैं जिनको ब्रेस्ट फीडिंग के प्रॉब्लम हो सकते हैं जिनके बेबीज अच्छे से फीड ना कर रहे हो जितने जल्दी आप ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कोई हेल्प लो उतने जल्दी आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा इसीलिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बिल्कुल डरिए ना आपके डॉक्टर्स को आपके कंसल्टेंट को आपके लैक्टेशन कंसल्टेंट को आप जरूर मिलिए और ये, ये प्रॉब्लम जो भी आपको सुझाव दे राय दे बहुत बार वो उसको मान लेती है उसको बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेती है वो ये नहीं सोचती है कि शायद ये गलत हो सकता है अगर कोई एक्सपीरियंस आदमी है कोई बड़े बुजुर्ग है वो अगर आपको

मिलके आप आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लीजिए इनफैक्ट आप आपके परिवार के सदस्यों को भी साथ में लेकर आइए उनको भी कंसल्टेशन के लिए लाइए ताकि उनका भी नॉलेज अपडेट होगा okay. ब्रेस्ट फीडिंग करते समय मदर्स कभी कभी कुछ गलतियां करती है उसके बारे में हम बात करेंगे okay. ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त बहुत बार मैंने देखा है कि मदर्स खुद का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते हैं जब वो बैठते हैं तो अच्छे से पोस्चर में नहीं बैठते हैं अपराइट नहीं बैठते भले कि बहुत झुक के बेबी को पिलाने की कोशिश करते हैं इस वजह से अगर मम्मी को कुछ तकलीफ है दर्द हो रहा है तो शायद वो अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग ना कर पाए और वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगी ब्रेस्ट फीडिंग जो डेढ़ दो साल तक करना रहता है तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग करते आपको आपको कोई पेन है है या तकलीफ है, तो आपको वो रिजॉल्व करके लेना चाहिए बैठते वक्त आपका पोस्चर करेक्ट होना चाहिए पीठ को आपने सपोर्ट लेना जरूरी है गोद में पिलो लेके पिलो के ऊपर हमेशा बेबी को लेना है तो आप बच्चे की ओर ना झुके बच्चे को आपके ओर लीजिए ताकि आपका बैक अपराइट हो और आपको पीठ में गर्दन में कोई पेन ना हो और साथ ही साथ मदर्स को ऐसे लगता है कि अगर दो साल उनको पिलाना है, तो उसको कुछ ठसका लगे या उसके लंग्स में दूध चला जाए ऐसे बहुत सारे डर मदर्स के मन में रहते हैं जो जायज है जो मैं समझ सकती हूं पर मैं आपको इतना बताना चाहूंगी कि लेट के पिलाना ये सेफ रहता है बेबी के लिए अगर अगर आप कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करो तो।, तो अगर आप लेट के पिला रहे हो तो आपने देखना है कि आप जगे हुए होने चाहिए आपको नींद नहीं लगनी चाहिए अगर आपको ऐसे थोड़ा सा भी डर है कि शायद आपको नींद लग जाए आप थोड़ा सिडेटेड फील कर रहे हो डिलीवरी के बाद तो आपके किसी परिवार के सदस्य ने आपको ऑब्जर्व करना चाहिए आपका फीडिंग सुपरवाइज करना चाहिए आप बेड को थोड़ा एलिवेट करके या बेबी को थोड़ा एलिवेटेड स्लैंटिंग पोजिशन में अगर लेंगे तो वो और भी ज्यादा सेफ होगा और फीडिंग होने के बाद एटलीस्ट एक दस मिनट तक आप बेबी को अपराइट सीधा पकड़े ताकि वो बर्पिंग हो सके और जो भी दूध है वो नीचे चला जाए ग्रेविटी से इनफैक्ट ये देखा गया है कि जितना कंफर्टेबल मदर्स होती है उतना वो ज़्यादा ड्यूरेशन तक ब्रेस्ट फीडिंग कर पाएंगे तो पहले आपका कंफर्ट बहुत जरूरी है और बाद में बेबी का कंफर्ट दूसरी मिस्टेक जो मदर यूजली करते हैं कि वो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लेते समय बच्चे को बहुत बार सिर्फ लिपल का पोर्शन सिर्फ सामने वाला जो भाग है वो देते हैं इस वजह से ना ही बच्चे को मिल्क अच्छे से मिलता है भले ही मदर को अच्छा मिल्क होने दो बेबी को अच्छे से वो मिलता नहीं है साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा तकलीफ या जख्म होने के चांसेस रहते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग में हम लोग कहते हैं कि जो लैच होता है बेबी का जो पकड़ होती है ब्रेस्ट के ऊपर वो बहुत जरूरी रहती है उसके ऊपर आपका पूरा ब्रेस्ट फीडिंग डिपेंड होता है तो आप याद रखें कि जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बच्चे को ले तो सिर्फ निप्पल नहीं निप्पल के साथ वाला जो काला भाग रहता है जिसको हम लोग एरियोला कहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा काला भाग बच्चे के मुंह में देना रहता है ये आपको आपके लैक्टेशन कंसल्टेंट से पर्सनली मिलकर प्रैक्टिकली सीख के लेना बहुत जरूरी है बहुत बार जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बेबी को लेते हैं तो मैंने देखा है कि वो बच्चे को अपने ओर खींचते हैं फोर्स करते हैं बहुत ज़ोर से बच्चे को पकड़ पकड़ के के उसका सिर पकड़ के, वो अपने ओर प्रेस करते हैं ये ये भी भी है है गलत बात है, ये भी एक मिस्टेक क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो बेबी बहुत इिटेट हो जाएगा वो रोने लगेगा वो शायद अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं ले पाएगा तो इनफैक्ट जब आप ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बेबी को लो तो आप देखो कि आप आराम से लो कोई जल्दबाजी मत कीजिए आराम से बच्चे को आपकी ओर लीजिए आपके ब्रेस्ट लेवल पे पिलो के ऊपर उसको पूरी तरह आपकी ओर टर्न कीजिए पूरी तरह से कभी भी उसका सिर ना पकड़े बल्कि गर्दन को सपोर्ट कीजिए और थोड़ा सा ब्रेस्ट उसको ऑफर करके थोड़ा सा अगर आप निप्पल उसके मुंह पे लगाओगे अपर लिप पे टच करोगे या थोड़ा सा मिल्क का उसे टेस्ट दोगे तो बच्चा अपने आप ब्रेस्ट झूढ़ के खुद से अटैच होता है खुद से लैच होता है जब बेबी खुद से अटैच होगा तो वो अच्छे से ब्रेस्ट ले पाएगा आप उसको फोर्स करके दोगे तो शायद वो अच्छे से ना ले और बहुत ज्यादा बाइटिंग कर सकता है और एक आमतौर पर जो मिस्टेक में देखती हूं वो ये है कि सपोज आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो और बच्चा पीते पीते ब्रेस्ट पे सो जाए तो मम्मी को लगता है कि उसका पेट भर गया भले ही मिनट में बेबी सो जाए तो मदर को लगता है कि उसका पेट भर गया इसलिए वो सो रहा है तो ये जरूरी नहीं है ये गलत हो सकता है कभी कभी बच्चे इसीलिए सो जाते हैं कि उनको शायद अच्छे से दूध नहीं मिल रहा है उन्होंने अच्छे से लैच नहीं हुआ है और उनको अच्छे से फ्लो नहीं मिल रहा है इसीलिए वो सो जाते हैं तो आपको ये जरूर आपके लैक्टेशन कंसल्टेंट से बात करके देखना पड़ेगा कि उसे इनफ फीडिंग हो रहा है वो एडिक्ट फीड कर रहे या नहीं कर रहे या फिर वो इसलिए सो रहे बिकॉज उनको दूध नहीं मिल रहा है कभी कभी मदर्स को बोला जाता है कि बच्चे को रोने दो वो थोड़ा रोएगा तो ज्यादा अच्छे से फीडिंग लेगा ज्यादा उसको भूख लगेगी और ज्यादा अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग लेगा तो ये भी एक गलत बात है इनफैक्ट कभी कभी ऐसे होता है कि न्यूबॉर्न बेबी स्पेशली बहुत लंबे समय तक सोते हैं तीन चार पाँच घंटे भी सो सकते हैं और जब वो जगते हैं तो उनको बहुत ज्यादा भूख लगी रहती है और उस टाइम पे बेबी इरिटेटेड रहते हैं और ये इरिटेटेड बेबी को या रोते हुए बेबी को लेना ज्यादा मुश्किल होता है इनफैक्ट वो अच्छे से फीड नहीं करते हैं तो आप कभी भी बेबी रोने तक इंतजार ना करें इनफैक्ट आप देखो कि इनिशियली बच्चे थोड़े से हंगर साइंस दिखाते हैं सटल साइंस रहते हैं जैसे यहाँ वहां देखना चूसने की आवाज़ करना खुद का हाथ मुंह में डाल के सक करने की कोशिश करना ये साइंस को आप कैच करें और लेने की कोशिश करें तीन साढ़े तीन घंटे से ऊपर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेबी सो ही रहा है तो मैं कहूँगी कि उसको उठा के आप पिलाने की कोशिश करें एक और एक मिस्टेक जो कॉमनली मैं देखती हूँ वो ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग करते समय you oh. मदर्स को ऐसे लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा डाइट रिस्ट्रिक्शन होते हैं उनको ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है ऐसे बहुत बोला जाता है बिकॉज सबको ऐसे लगता है कि मम्मी कुछ खाएगी तो वो बच्चे को जाने वाला है और उसका बेबी के हेल्थ पे कुछ असर हो सकता है तो ये एक गलत बात है इनफैक्ट आप जो खाना खाते हो उसका बेबी पर कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं होता है जो होगा वो अच्छा ही होगा तो अगर हेल्दी मदर है और हेल्दी बेबी है जैसे आपको कोई भी तकलीफ नहीं है हेल्थ इश्यू नहीं है तो आपको ऐसा कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है आप जितना अच्छे से खाना खाओगे उतना अच्छे से आप बाद में भी दूध बना पाओगे अगर आपने आपका डाइट रिस्ट्रिक्ट किया तो आपका जो दूध बनते रहता है पर वो आपके खुद के न्यूट्रिएंट स्टोर से बनने लगता है आपके खुद के शरीर के लिए जो रखे हुए स्टोर्स है वो दूध बनने में यूटिलाइज होने लगते हैं तो एक पॉइंट ऐसे आ सकता है कि आपके खुद के स्टोर्स खत्म हो जाए बिकॉज वो दूध बना रहे हैं और आप पूरी तरह से थकावट महसूस कर सकते हो एग्जॉस्ट फील कर सकते हो शायद अब ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से ना कर पाओ और एक जो सबसे कॉमन बात है या जो मिस्टेक है जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को खुद के एबिलिटी पे विश्वास नहीं रहता है वो बार बार ये सोचती है कि ब्रेस्ट फीडिंग यह डिफिकल्ट है शायद मुझे नहीं आ पाएगा ये जानना चाहिए आपको कि ब्रेस्ट फीडिंग ये साइकोलॉजिकल रहता है बहुत ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन आपके मानसिक इस पर डिपेंड रहता है तो साइकोलॉजी पर डिपेंड रहता है तो अगर आप बार बार खुद को ये बताते रहोगे कि नहीं शायद मैं नहीं कर पाऊँगी शायद मुझे दूध अच्छे से नहीं आएगा शायद मैं दो साल तक नहीं पिला पाऊँगी तो वो प्रॉब्लम सच हो जाएगा जितना ज्यादा आप सोचोगे जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लोगे उतना आपका प्रॉब्लम बढ़ने वाला है तो इनफैक्ट ब्रेस्ट फीडिंग मदर ने खुद पे बहुत ज़्यादा यकीन रखना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस आपका पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई भी अगर आपको बोले कि आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहे हो या आपको दूध कम है तो मुझे लगता है आप इतना ध्यान उस पर ना दें खुद के एबिलिटी पर आप विश्वास रखें तब वो आप अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कर पाओगे मुझे उम्मीद है कि हमारा ये आज का डिस्कशन जो है ये आपको हेल्पफुल लगेगा और आप ये गलतियाँ खुद कभी नहीं करोगे अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है कोई भी क्वेरी है तो आप बेझिझक हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं हमें ईमेल या फ़ोन कर सकते हैं हमें कांटेक्ट कर सकते हैं जितना जल्दी आप हेल्प लोगे उतना जल्दी आपके इश्यूज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे